हाँ हाँ बेटा, मैं तुझसे बोला था कि तू अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा तो मैं दिवाली पर तुझे एक आईफोन दिलाऊंगा। लेकिन बेटा तू समझा कर कि हमारे सर पर कितना कर्जा है। मैं मामूली सा ड्राइवर ही तो हूँ, ना मेरी इतनी तनख्वाह है और ना ही मुझे इतना बोनस मिलने वाला है कि मैं तुझे आईफोन दिला सकूं। पापा आपका तो हर बार का यही बस बहाने बनाते रहते हो। हाँ हेलो, सुन तो सही बेटा। अरे बेटा सुन, अब मैं इसे कैसे समझाऊं कि हम जैसे गरीब लोगों के लिए 1-1.5 लाख रुपए का इंतजाम कितना मुश्किल होता है। थैंक यू सो मच मम्मी, आपने मेरे को ये मैकबुक दिलाया। मम्मी मुझे तो ये लगा था कि आप मुझे मैकबुक दिलाओगे ही नहीं। क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा था कि मैं नहीं दिलाऊंगी? मम्मी आपने ही तो कहा था कि मेरे एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए तो आप मुझे मैकबुक नहीं दिलाओगे, और मेरे तो नंबर अच्छे आए ही नहीं, मैं पास भी नहीं हो पाई अच्छे से, तो बस इसलिए मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी मम्मी। बेटा क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे नंबर अच्छे आए या नहीं आए, अरे तुम रहोगी तो मेरी बेटी ही ना, और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना मेरा फर्ज है, मुझे खुशी मिलती है। थैंक यू सो मच मम्मी। मेरी लाडली बच्ची, अब चल देर हो जाएगी। आइए मैडम बैठिए। अच्छा हुकुम जी, अब दिवाली की छुट्टी है 2 दिन की, तो आपकी सैलरी मैंने आपके अकाउंट में डलवा दी है और ये रहा आपका बोनस। अच्छा ठीक है, अब आप जाओ हैं। सुनिए मैम साहब, आपसे कुछ बात करनी है। अरे हुकुम जी, अब जो भी बात करनी है दिवाली के बाद करना, बहुत काम है अभी। हाँ अरे हाँ, गाड़ी की चाबी तो दो। लीजिए मैम साहब। ठीक है मैम साहब, आपका सामान रह गया गाड़ी में। अरे मैं तो भूल ही गई थी, वो आपका सामान है, हमारा नहीं है। निकाल लीजिए। मेरा सामान? शायद हो सकता है मिठाई वगैरह हो। फोन? मैम साहब आपका फोन? अरे ये फोन हमारा नहीं, आप ही का है। मेरा? हाँ आपने तो अपने बेटे से वादा किया था ना कि अगर एग्जाम में उसके अच्छे नंबर आएंगे तो आप दिवाली पे उसे आईफोन दिलाएंगे, तो ये फोन आपके बेटे के लिए है। अब देखिए, मैंने भी अपनी बेटी से वादा किया था कि अगर उसके अच्छे नंबर आएंगे तो उसे उसे पसंद की चीज दिलाऊंगी। अब उसके अच्छे नंबर भी नहीं आए, मैंने तब भी उसे उसके पसंद की चीज दिला दी क्योंकि मेरे पास पैसे थे, पर आपके बेटे ने तो इतनी मेहनत की है, अब उसे भी तो उसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए ना, और अगर उसे उसकी मेहनत का फल नहीं मिला तो आगे के लिए उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। मैम साहब, मैं आपका ये एहसान कैसे उतारूंगा? अरे इसमें एहसान की क्या बात है, आप ये फोन अपने बच्चे को देंगे तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आगे उसको और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरणा मिलेगी, और अगर आपका बच्चा पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ा होता है, अच्छी नौकरी करता है और आपकी जिंदगी सुधरती है, तो समझ लीजिए मेरा एहसान उतर गया। पर मैम साहब ये तो बहुत महंगा फोन है, मेरी तो 1 साल की सैलरी में भी ये फोन नहीं आएगा। हाँ हुकुम जी, महंगा तो है लेकिन आपके बेटे की खुशी से महंगा नहीं है, जैसे मेरी बेटी की खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखती है, वैसे ही आपके बेटे की खुशी भी तो आपके लिए मायने रखती है ना, और आप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, आप इतने सालों से हमारे साथ इतनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो अब इतना हक तो मेरा भी बनता है ना आपके बेटे के लिए। हुकुम जी छोड़िए इन सब बातों को, अब आराम से घर जाइए और खुशी खुशी दिवाली मनाइए। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। चल बेटा।